जनाधिकार पार्टी के द्वारा शनिवार को समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन दिया गया। पार्टी आलाकमान के आह्वान पर पूरे बिहार में सरकार के तुगलकी फरमान, राज्य में बढ़ते अपराध, समान शिक्षा एवं समान चिकित्सा, समान काम के बदले समान वेतन मिले, बालू गिट्टी मिट्टी का फ्री में सेल हो, पुलिसिया जुर्म पर रोक लगाने, बिहार में हो रहे घोटाले में संलिप्त नेता, अपराधी, पुलिस अफसर, प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई हो आदि विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए जाप प्रदेश महासचिव हैदर यासीन उर्फ बाबा ने कहा, बिहार में बिचौलियागिरी हावी है, पुलिस अफसर बिना रुपए का कोई काम नहीं करती है, कहा नीतीश कुमार हर एजेंडा पर विफल हो रही है। साथ ही कहा नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कहा, आज राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, नीतीश बाबू को इसकी फिक्र नहीं है, उनके अधिकारी बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं करते। मौके पर जाप जिलाध्यक्ष बालकृष्ण झा, उत्तम सिंह, निधि मौसम, साजिद आलम, सुशील राही, विकास बिहारी, कपिल ऋषिदेव, राजकुमार यादव, मांगन राम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी का सिर्फ शिक्षक का वो काम ही नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी ऑफिस में अगर नियोजित शिक्षक को प्रतिनियोजित नहीं किया जाए और वो काम नहीं दें तो बिहार जो है बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। ये ऑफिस से लेकर बी ऑफिस तक, डीएम का ऑफिस से वीडियो के ऑफिस तक, सारे ऑफिस में देखिए, कार्यालय से लेकर लाइब्रेरी तक, किला लाइब्रेरी में देखिए, निगरानी विभाग चल रहा है उसमें देखिए, सारे नियोजित शिक्षक उसमें जो है डिप्यूट है उसमें प्रतिनियोजित है, बगैर नियोजित शिक्षक के कोई कार्यालय आज नहीं चल रहा। जहाँ भी देखिए नियोजित शिक्षक वहाँ प्रतिनियोजित है, उनकी आवश्यकता है इसलिए वो प्रतिनियोजित है, उनको बुलाना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है, ये ऑफिस में देख लीजिए कितने नियोजित शिक्षक है। ये नियोजित शिक्षक में जो है वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, वो दम है कि किसी भी कार्यालय में ऐसे बड़े हाथी को, अहंकारी हाथी को गिरा देता है। आज वही नीतीश कुमार वही अहंकारी बना हुआ है, हम लोग एक होकर के लिए करेंगे इस अहंकारी हाथी को नियुक्त नाबूद कर देंगे। मेरे दोस्तों एक होना होगा, लेकिन आज हम लोगों की हालत जो है, आज हम शिक्षकों की हालत जो है, ये कुत्तों की हालत है। कुछ व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, हर घर को 20 से 40 हजार की आमदनी, प्रत्येक हाथ को रोजगार, लेकिन यह बिहार है। बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सरकार शिक्षक विरोधी है, इंकलाब जिंदाबाद।